जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। आई एम जी जी के डब्ल्यू एच गौरव। आप लोगों तो हम दिखाए हैं कि हम लोग गांव में बंगाली महीना का वैशाख महीना में हर रोज़ शाम को किस तरह से हरि कीर्तन होता है। और आप लोग में से जो जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग गाँव में वैशाख महीना में किस तरह से हरि कीर्तन होता है। और आज हम आप लोग दिखाएंगे कि 24 पौर हरि कीर्तन किस तरह से होता है। तो 24 पौर हरि कीर्तन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 दिन लगातार सुबह शाम दोपहर रात आधा रात भोर को एनी टाइम हर समय हरे कृष्ण हरे रामों का कीर्तन होते रहेगा और साथ में राधे श्री कृष्ण जी का कहानी भी बताया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं 24 पौर हरि कीर्तन। तो 24 पौर हरि कीर्तन 2006 से होते आ रहा है और आगे भी होते रहेगा। सिर्फ कोरोना के चलते 2020 और 21 को 24 पौर हरि कीर्तन हुआ नहीं था, ओनली फॉर 8 पौर हरि कीर्तन हुआ था। 8 पौर हरि कीर्तन मतलब 24 घंटा एक दिन का कीर्तन हुआ था। तो आज हम आप लोग दिखाएंगे 24 पौर हरि कीर्तन किस तरह से होता है और हरे कृष्ण हरे रामों का गाना किस तरह से होता है, और साथ में दिखाएंगे राधे श्री कृष्ण जी का कहानी किस तरह से बताया जाता है। तो जो हम लोग गाँव में राधे श्री कृष्ण जी का कहानी बताएंगे, वो हम ही लोग का गाँव का बहू है, मेरी चाची है, वो यहाँ रहती नहीं है। वो हम लोग घर से 20 किलोमीटर दूरी में रहती है, निरसा नाम का जगह है, वहीं पर रहती है। वो अभी आई है सिर्फ राधे श्री कृष्ण जी का कहानी बताने के लिए। तो आज से मतलब आज नहीं कल से वो 3 दिन लगातार राधे श्री कृष्ण जी का कहानी बताएंगे और आप लोगों को भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से राधे श्री कृष्ण जी का कहानी भी बताया जाता है। तो हम लोग का गाँव में 24 पौर हरि कीर्तन शुरू होने के पहले दिन हम लोग गांव में हरि मंदिर में पूजा होता है। तो आज हम लोग का गांव में हरि मंदिर में पूजा होगा। तो आज हम आप लोग दिखाएंगे हरि मंदिर में किस तरह से पूजा हो रहा है और आज के दिन किस तरह से हरि मंदिर के आसपास माहौल रह रहा है, और कल से हरि कीर्तन जिस टाइम से शुरू होगा उस समय से किस तरह से माहौल रहेगा हम लोग का हरि मंदिर के आसपास में, ये हम आप लोग दिखाएंगे। और दिखाएंगे हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन किस तरह से हो रहा है और साथ में दिखाएंगे राधे श्री कृष्ण जी का कहानी किस तरह से बताया जा रहा है। तो पूरा 24 पौर का हरि कीर्तन देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। तो कल से हम लोग का हरि कीर्तन शुरू होगा और हरि कीर्तन शुरू होने से पहले दिन हम लोग गांव में हरि मंदिर में पूजा होता है। तो पूजा शुरू हो चुका है, तो हम आप लोग को दिखाते हैं कि हरि मंदिर में किस तरह से पूजा हो रहा है और आज हम लोग का किस तरह से हरि मंदिर में हरि कीर्तन होगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और आज हरि कीर्तन होने के बाद कल से किस तरह से हरि मंदिर में कीर्तन होगा, हरि कीर्तन, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। इस वीडियो में 4 दिन का हरि कीर्तन एक साथ जोड़ा हुआ है, इसीलिए ये ब्लॉग बड़ा है। एंड माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। ओम ह्रसी भूमि दशातिरसी विश्वधाया विश्वेशा भुवनस्य धत्रें पृथिवीं जच्छ पृथिवीं दृङ्गो पृथिवीं मायहंस ओम धनुमति दीनै देवान्धिनी मांज्यत्वं दीनै मांज्यद्रूपति दीनै मांज्यद्वीर ओम सिन्धव प्रब्ध ओम पति पदोसी पति पदत्ता संपदोसी संपदत्ता तेजो होसी तेजसत्ता तेजो मोही देई अनिना प्रशस्ति पत्नीना उच्च गौरचंद्राय सुवादिवास नमोस्तु ओम गंधद्वारं दुरादर्शां नित्यतुष्टां परिश्रीमिस्तूरि सर्वभूतानां स्थामियो बहुं मृदुङ्गो कुलकरतालो भुनवः इति गंगोत्री नमो नमः इति गंगोत्री बोली ने एखन पूजा ठीक छे ने Thank you.
आरती शुरू हो चुका है। आरती समाप्त होने के बाद प्रसादी वितरण होगा। एंड माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। सो फाइनली गाइज, हम लोग गाँव में किस तरह से हरि मंदिर में पूजा हुआ ये हम आप लोग दिखाएं, और ये भी दिखाएं कि हम लोग हरि मंदिर में किस तरह से हरि कीर्तन हुआ, और अब हम कल से क्या क्या हो रहा है और किस तरह से हरि कीर्तन हो रहा है ये हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। तो अभी हो रहा है सुबह, और सुबह में स्टार्ट हो चुका है हम लोग गाँव में हरि मंदिर में हरि कीर्तन। तो हरि कीर्तन ये जो कर रहे हैं ये हर रोज जब तीन दिन लगातार करते रहेंगे। फिर शाम में जब रंग दल उतरेंगे तब छोड़ेंगे, और बड़ा दल का कंप्लीट होगा, फिर राधे श्री कृष्ण जी का कहानी बोलकर समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर से इन लोग ऐसे ही हरि कीर्तन करते रहेंगे, और तीन दिन लगातार हरि कीर्तन होगा यहाँ पर। और इन लोग मतलब एक सेकंड के लिए भी हरि कीर्तन छोड़ेंगे नहीं, वही है यहाँ का मैंने ये जो 24 पहर का नियम है। और रात में आज क्या क्या हो रहा है, किस तरह से रंग कीर्तन आ रहा है, और किस तरह से यहाँ पर हरि कीर्तन हो रहा है हरि मंदिर में, उसके बाद रंग कीर्तन होने के बाद फिर किस तरह से बड़ा दल उतरेगा वहाँ पर, राधे श्री कृष्ण जी का कहानी किस तरह से बोलेगा वहाँ पर हरि मंदिर में, ये सब हम आपको लोग को टोटल बताएंगे। तो कंटिन्यू रहिए वीडियो में देखने के लिए हम लोग का गाँव में हरि मंदिर में हरि कीर्तन देखने के लिए। माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। लोग गांव में हरि मंदिर में जो जो हरि कीर्तन कर रहे हैं उनके लिए खाना यहीं पर पक रहा है। ये हम लोग क्लब, और भी पहले हम वीडियो में दिखाए हैं हम लोग का क्लब के किस जगह में है, और वो शिव मंदिर है। और बात यह है कि हम लोग जो बड़ा दल है जो कि मतलब राधे श्री कृष्ण जी का कहानी बोलेंगे, वो दल भी आ चुके हैं अंदर में है सभी। और आप लोग दिखाते हैं हम लोग कि हम लोग क्लब के अंदर भी आप लोगों को दिखाए हैं इस तरह का है। यहाँ पर सभी सामान रखा गया है, और यहाँ पर सभी भाई लोग ठहरे हुए हैं। तो और क्या क्या हो रहा है सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं, तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं आप लोगों में से कोई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। Hey, 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 hey
Yeah.
मेरा है बड़ा दल, और बड़ा दल मतलब होता है कि अभी लोग राधे श्री कृष्ण जी का कहानी बताएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग पर। कीर्तन के समय हम लोग के गांव में हर रोज़ आरती होता है, अब पंडित जी सभी को आरती दिखा रहे हैं। आज भी हमने आप लोग को दिखाया कि हम लोग हरि मंदिर में किस तरह से हरि कीर्तन हुआ, और अब हम कल भी हम आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग गांव में हरि मंदिर में हरि कीर्तन किस तरह से हो रहा है। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। जय साई, जय श्री गुरु जी। Oh,
धन दल समाप्त हो चुका है और कल के जैसा आज भी फिर से बड़ा दल उतर चुका है। तो फाइनल दोस्तों आज किस तरह से हरि मंदिर में हरि कीर्तन हुआ ये हम आप लोग दिखाएं और अब कल किस तरह से हरि मंदिर में हरि कीर्तन होगा ये हम आप लोग दिखाएंगे। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। आज है तीसरा दिन और तीसरा दिन में हम लोग गाँव में हरि मंदिर में किस तरह से हरि कीर्तन हो रहा है ये हम आप लोग दिखाते हैं। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरे डांस कराटे के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ जाकर डांस कराटे के वीडियो देख सकते हैं।
Oh,
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 दल का ग्रुप हर रोज यहाँ पर प्रणाम करता है, फिर हरि मंदिर में हरि कीर्तन करता है। एंड माय अदर चैनल नेम इज नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। ওটা কিলি খেতে ছিল না নাকি কি করে আমার আমার কাছে কি করে হয়েছে মাস্টার আজ তিসরা দিন আপনার তো পতা হ্যাঁ আর রং দল समाप्त हो चुका है, अब बड़ा दल उतर चुका है और आज है रात, लास्ट दिन है रात का। कल तक कुंज भंग है, मतलब कल हरि कीर्तन समाप्त हो जाएगा। आज का रात रास में राधा श्री कृष्ण का किस तरह से रास हुआ था वो कहानी बताएंगे, तो आप लोग दिखाते हैं जितना हो सके कहानी, तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। हरि मंदिर में जो जो कीर्तन कर रहे थे
वही ग्रुप है ये, और अभी इन लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पर जो रंग दल किया उन लोग का खाना पीना हो गया, अब जा रहे फिर से रास का कहानी सुनने के लिए हरि मंदिर। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम कि कहानी आज किस तरह से राधे श्री कृष्ण जी का हो रहा है। माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের তরফ থেকে আপনাদের চরণে রইল শত কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রণাম। আজকে যে লীলা গানটি হবে মা সেটি হচ্ছে শ্রী শ্রী রাসলীলা। তাহলে রাসলীলা বর্ণন করার মতো আমার ক্ষমতা নেই, কারণ আমি হলাম একটা ক্ষুদ্র কীর্তনিয়াম। ভগবানের গুণকথা বা লীলা কথা বর্ণন করার মতো আমার ক্ষমতা নেই, তা আবার রাসলীলা। কিন্তু মা সকল ভক্তের চরণে প্রণাম জানিয়ে এবং সকলের কাছে চরণ ধরে আমি মস্তকে নিলাম, আর আবার আপনারা সকলে আমাকে আশীর্বাদ করবেন যাতে করে আমি আজ রাসলীলা আপনাদের কাছে আশ্রবণ করাতে পারি। যদি কিছু ভুল হয়ে যায় নিজ কন্যা মনে করে সন্তান মনে করে ক্ষমা করে দেবেন। প্রেমানন্দে নিতাই जिस तरह से हर रोज कीर्तन के समय आरती होता है उसी तरह हर रोज कीर्तन के समय प्रसादी भी दिया जाता है, इसीलिए पंडित जी अभी प्रसादी वितरण कर रहे हैं। আপনারা
দুটোর মধ্যে সবাই এই হরি মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে কুঞ্জবুলের রস আস্বাদন করতে আমাদের অনুরোধ। নমস্কার। তাই চলুন আমরা বৃন্দাবনে যাই, কি মানে আজকে হচ্ছে শেষ রজনী, তা কারা কারা বৃন্দাবনে যাবে দেখি। लास्ट में राधा श्री कृष्ण का क्या क्या कहानी बताया गया ये हम आप लोग दिखाएं जितना हो सका, और कल सुबह से क्या क्या प्रोग्राम है ये हम आप लोग को दिखाएंगे इस वीडियो में, तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। सो गाइस, आज हम लोग का हरि कीर्तन का चौथा दिन है और आज हरि कीर्तन हम लोग गांव का समाप्त होने वाला है। तो आज के दिन 52 भोग लगता है, मतलब 52 भोग लगता है, तो वो अभी हम लोग बनाएंगे और फिर सजाएंगे पूजा के लिए। तो किस तरह से बनाते हैं हम लोग भोग को, फिर सजाते हैं, ये हम आप लोग दिखाएंगे। और लास्ट में राधे श्री कृष्ण भगवान का कहानी बताएंगे जो हर रोज़ बताते हैं, तो वो किस तरह से बता रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो हम ऐसे ही ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं प्रसादी बनाने के लिए, तो चलते हैं अभी भोग किस तरह से बनाते हैं ये आप लोग को दिखाते हैं इस वीडियो में, तो कंटिन्यू रहिए। तो आप लोगों को तो हम बताएं कि आज है हम लोग गांव का हरि कीर्तन का समाप्ति का दिन। बात यह है कि इन लोग जो कर रहा है, संडे को 8:30 बजे पकड़ा था हरि कीर्तन करने के लिए और तब से कर ही रहा है। आज अभी 8:30 बजेगा और इन लोग यहां पर समाप्त करेगा आपका हरि कीर्तन, और थोड़ा सा रेस्ट होने के बाद राधे श्री कृष्ण भगवान का कहानी बताया जाएगा यहाँ पर, लास्ट दिन बताया जाता है। तो चलिए क्या क्या हो रहा है आप लोगों को ब्लॉग में दिखाते हैं। तो माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। দেখতে হয়
तो दोस्तों वोट के लिए तैयारी हो रहा है यहाँ, और यहाँ पर आटा का गोली बना रहे हैं, और मेरा दोस्त यहाँ पर देखिए कढ़ाई में तेल को दे रहा है छानने के लिए, पूरी बनेगा इसीलिए। और यहाँ पर पाँच किलो आटा का गोली बनाना पड़ रहा है यहाँ पर, बनता बनने दीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या आप लोग वीडियो में दिखा सकते हैं। और उधर दिखाइए देर देते हुए मेरे दोस्त। जय श्री गौरहरि, जय राधे श्री कृष्ण। तो गाइस अभी भी हम लोग का पूरी बन रहा है, हम लोग जो बाबा जी है वो तो पूरी छान गए हैं, और हम लोग दोनों अभी पूरी को मतलब बेल ही रहे हैं अभी तक। और हम लोग बाबा जी का तो डिमांड है ये है 5-6 लाख रुपया। आप लोग तो पहले वीडियो में बताए हैं, अगर बुकिंग करना है हम लोग बाबा जी को तो कॉन्टेक्ट हमसे कीजिएगा, आप लोग को करवा देंगे। ऐसे तो 5-6 लाख है, 4.5 लाख में हम बाबा जी को ही करवा देंगे, बुकिंग करवा देंगे। तो चलिए कब तक खत्म होता है पूरी बनाना ये देखते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कितना पूरी बना और कब तक खत्म हुआ, क्योंकि अभी भी इतना है ये है और यहाँ पर और है तो इतना लोई है पूरा मस्त हिंदी बोल रहे लाइक है ना। तो चलिए हम पूरी बना लेते हैं, फिर आप लोग को वीडियो में दिखाते हैं कि कितना पूरी बन रहा है।6 किलो आटा का पूरी कंप्लीट हो चुका, और जब से हम लोग गांव में हरि कीर्तन हो रहा है इस तरह का हरि कीर्तन, उस साल से हम लोग लगातार ये 52 भोग बना रहे हैं, मतलब 52 भोग बनेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से 52 भोग हो रहा है, उसी को हम लोग 52 भोग बोलते हैं। और बात है अभी कंप्लीट हो गया, और अब देखते हैं क्या करते हैं, और आप लोगों को भी हम वीडियो में दिखाएंगे कि और क्या क्या हो रहा है हम लोग का अभी इस आज का दिन क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ दिखाइए कैमरा मैन कि कितना पूरी बना है, 6 किलो आटा का इतना पूरी बन गया। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखने को मिलेगा और क्या क्या हो रहा है। माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों माँ दुर्गा मंदिर में हम लोग पूड़ी बनाए, और पूड़ी बनाने के बाद यहाँ पर पूड़ी को ले आए हैं, यहीं पर अब भोग को सजाएंगे, उसके बाद पूजा में किस तरह से पूजा हो रहा है ये आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर तो श्री नारायण नाड़ू गोपाल भगवान थे, तो अभी कहीं और रखे हुए हैं भगवान को। और यहाँ तो जाग हंडी है जिसे अभी दीपक जल रहा है उस हंडी में, और यहाँ तो भगवान जी ही है। तो यहाँ पर पहले हम लोग भोग को सजा लेते हैं, और क्या क्या हो रहा है ये हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। आज जो कुंज गंगा होगा उसका तैयारी यहाँ पर किया जा रहा है, और आज भी राधे श्री कृष्ण जी का कहानी बताएंगे, तो भी हम जितना हो सके आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या कहानी में बोल रहा है, तो बने रहिए ब्लॉग पर। तो वहाँ पर पूड़ी बनाने के बाद पूड़ी कहाँ रखे ये हम आप लोगों को दिखाएँ। और अभी आए हैं हमें जो का गाँव का मैंने गांव में ही दुकान है ये दुकान, और अंकल के पास आए हुए हैं, यहाँ पर एक पेप्सी तो गटक लिए, और अब हम लोग आए हुए हैं स्लाइस लेने के लिए। तो स्लाइस लेते हैं, पीते हैं, उसके बाद आगे क्या करते हैं ये आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। एक तो पेप्सी का लो, एक दो स्लाइस है ना।
तो यहाँ पर स्लाइस गटकना शुरू हो चुका है और हमको कब तक मौका मिलता है ये तो पता नहीं, देखते हैं है ना। ए भाई हम आपको दे रहे भाई है, गरीब दुखी आदमी के My other channel name is Nritya Vidya Martial Art। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। अदर चैनल नेम इज नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। जय श्री गौर हरि। ये सब प्रसादी सजाया गया है, ये जो हरि मंदिर में छोटा सा बच्चा खोल बजा रहा है ये और कोई नहीं, ये जो राधे श्री कृष्ण जी की कहानी बता रहे हैं उसी का छोटा बेटा है। चार साढ़े चार और लंच खा लेते हैं हम लोग सभी मिलकर, फिर आगे क्या होता है ये हम आप लोग को दिखाते हैं। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। सुबह नहाने के बाद पूड़ी बनाए भगवान का प्रसादी के लिए, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर से और एक बार नहा लिए, अब फ्रेश हो गए हैं और ताला लगा लिए, अब चल रहे हैं फिर से जा रहे हैं हम हरि मंदिर की ओर और क्या क्या हो रहा है आप लोग को दिखाते हैं हम। Thank you.
जैसी लागे ही लगन तो अभी हम लोग आ गए हैं अंकल का दुकान और यहाँ पर फ्लैश ले लिए, फिर से पीते हैं ठंडा ठंडा, मन को करते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है ये हम आप लोगों को दिखाते हैं। पूरा घटाघट घटक रहा है पूरा। कोई मतलब टेंशन नहीं इसका। मैंने मिला तो बेटा इधर उधर देखे सो नहीं, एकदम घटाघट मैंने मिलने जा रहा है। चलो खाओ, पीने का चीज है, पीते रहो। खा घुट खा घुट खा खाए मोर हम यो खाए मच्छी खाए मोरी ना की जा बच्चों का मोर बोतल दिन इसका और इसका बोतल के ऊपर झगड़ा हो रहा है, मतलब फैक्ट्री खोलेगा बोतल का। चलिए पी के ठंडा ठंडा थोड़ा मन का शांति हुआ, ठंडा मन हुआ। अब लो भाई और पिए, पीने बोल रहा पी देते हैं। और एक बाकी, और एक बार खाएंगे वो नान काका है। ये किसका है? मानस का है। इससे पहले जो स्लाइस के पिए थे किसका किसका था? मलय आचार्य का, एक प्रशांत आचार्य का। हाँ। उसके पहले पेप्सी पिए थे किसका था? कॉमेटी का, फुलवाना का। और पिएंगे है ना, ये सब अभी हम लोग का चल रहा है, तो देखते रहिए क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग गांव में हरि मंदिर में हरि कीर्तन समाप्त हो चुका है, और आगे क्या क्या होता है ब्लॉग में देखते रहिए। आप लोग सब कुछ हम दिखा रहे हैं ब्लॉग पर। समाप्त हो चुका हम लोग का हरि मंदिर में हरि कीर्तन, और ये रहा चाची हम लोग गांव का, जो आप लोग को डिटेल्स बताए हैं। तो आप लोग को आपको कैसा लगा? हाँ, मैंने अपने ही गांव में कीर्तन करके बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद मिला। अपने ही गाँव में कीर्तन करके हमको बहुत आनंद मिला। चलिए, बहुत सबका आशीर्वाद मिला। और ये भिक्षा माँ मेरा। तो चलिए आगे क्या क्या होता है ये आप लोग दिखाते रहेंगे इस ब्लॉग में। तो माई अदर चैनल नेम इज नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई मेरे डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। हरि मंदिर में हरि कीर्तन समाप्त होने के बाद ये जो पूजा होता है बानो भोग का पूजा, जो हरि मंदिर के अंदर होता है, ये देखना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको घेराव कर दिया है। और इसी तरह पूजा होता है। आप लोग आगे क्या क्या हो रहा है ये हम आप लोग दिखाते हैं। तो इस साल कॉमेडी का हेड है मेरे भिक्खा बाबा गोवर्धन बनर्जी और राम दादू। Yeah.
हम लोग गाँव में हरि कीर्तन समाप्त हो चुका और यहाँ पर अभी देख रहे कैसे फाका फाका पूरा एरिया है, पूरा खाली हो गया इस एरिया को। तो फाइनल गाइस, हम लोग का गाँव में हरि मंदिर में हरि कीर्तन किस तरह से हुआ और क्या क्या प्रोग्राम हुआ और किस तरह से हुआ, सब कुछ हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएं। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया, कमेंट करके बताए कैसा लगा। और जो जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।